Hey guys, welcome back again to our channel Crazy for Bollywood. मैं शुभांगी आज का काउंटडाउन लेकर फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरें। नंबर वन, बॉलीवुड के किंग माने जाने वाले शाहरुख खान ने साबित कर दिया है कि वो बॉक्स ऑफिस के भी किंग हैं। जवान बॉक्स ऑफिस पर रिलीज के पांचवे हफ्ते गुजर जाने के बावजूद भी दहाड़ रही है। तमाम नई फिल्मों के भी जवान का जोश ठंडा नहीं पड़ रहा है और इसे देखने के लिए सिनेमाघरों में अब भी काफी संख्या में ऑडियंस की भीड़ पहुंच रही है। सेक्निल की एक रिपोर्ट के मुताबिक जवान रिलीज के 37वें दिन यानी कि छठे शुक्रवार को 4 करोड़ की अनुमानित कमाई कर सकती है। इसके बाद जवान का 37 दिनों का कुल कलेक्शन 331 करोड़ रुपए हो जाएगा। नंबर टू, शाहरुख खान की डंकी और प्रभास की सालार सिनेमाघरों में एक साथ रिलीज होने वाली है। अब दावा किया जा रहा है कि शाहरुख खान की फिल्म की रिलीज डेट बदल सकती है। दरअसल लेटेस्ट सिनेमा का एक ट्वीट सामने आया है जिसने शाहरुख के फैंस को मायूस कर दिया है। इस ट्वीट में दावा किया जा रहा है कि शाहरुख खान की फिल्म की रिलीज डेट को आगे बढ़ाया जा सकता है। ट्वीट के मुताबिक डंकी का काम अब तक पूरा नहीं हुआ है, फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन का काम चल रहा है। ऐसे में मेकर्स फिल्म की रिलीज डेट को आगे बढ़ाने की प्लानिंग कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो साल 2023 का सबसे बड़ा क्लैश रुक जाएगा। नंबर थ्री, बॉलीवुड सुपरस्टार विकी कौशल की अपकमिंग मूवी सैम बहादुर का धांसू टीजर रिलीज हो चुका है। फिल्म स्टार विकी कौशल के इस टीजर ने रिलीज होते ही फैंस को इंप्रेस कर दिया है। सामने आए टीजर में फिल्म स्टार विकी कौशल सैम बहादुर के गेटअप में एकदम फिट नजर आए। साथ ही राजी स्टार का ये धांसू टीजर मूवी के लिए अभी से ही फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ाता नजर आ रहा है। विकी कौशल, सानिया मल्होत्रा और फातिमा सना शेख स्टारर। इस मूवी का डायरेक्शन राजी फेम डायरेक्टर मेघना गुलजार ने किया है। यही वजह है कि इस मूवी के लिए लोगों की एक्साइटमेंट लगातार बढ़ती नजर आ रही है। नंबर फोर, अक्षय कुमार की फिल्म मिशन रानीगंज इसी महीने सिनेमा घरों में रिलीज हुई है। एक हफ्ते में इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 18 करोड़ तक का बिजनेस किया है। अब सामने आई जानकारी के मुताबिक मिशन रानीगंज को मेकर्स इंडिपेंडेंट तौर पर प्रेस्टीजियस अवार्ड ऑस्कर के लिए भेजने वाले हैं। उन्होंने RRR के मेकर्स की तरह ही अक्षय कुमार की मूवी को इंडिपेंडेंटली ऑस्कर अवार्ड के लिए सबमिट किया है। इसका मतलब ये है कि अगर अक्षय कुमार की मिशन रानीगंज बेस्ट फॉरेन फिल्म अवार्ड की कैटेगरी में शामिल नहीं भी होती है तो इस फिल्म को दूसरी अलग अलग कैटेगरी में भी बड़ी बड़ी फिल्मों के साथ कम्पीट करने का मौका मिल सकता है। नंबर फाइव, सलमान खान स्टार चोरी चोरी छुपके छुपके और ऐश्वर्या राय स्टारर ताल जैसी फिल्मों में नजर आई दिग्गज एक्ट्रेस वैभवी वैद्य का निधन हो गया है। वो 67 साल की थी। 8 अक्टूबर को उन्होंने अंतिम सांस ली। हालांकि ये जानकारी तब सामने आई जब उनकी बेटी जानकी वैद्य ने इंस्टाग्राम पर उनके निधन की दुखद खबर शेयर की। जानकी ने अपनी माँ को याद करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी है। एक्ट्रेस की मौत से बॉलीवुड इंडस्ट्री सदमे में आ गई है। नंबर सिक्स, रणबीर कपूर और रश्मिका मंदाना की अपकमिंग फिल्म एनिमल का गाना हुआ मैं फैंस को खूब पसंद आ रहा है, लेकिन कई लोगों को ये गाना कार्तिक आर्यन की फिल्म फ्रेडी के गाने काला जादू की याद दिला रहा है। अब हाल ही में एक बड़े मीडिया हाउस से बात करते हुए फिल्म इंडस्ट्री के एक सीनियर म्यूजिकल कोऑर्डिनेटर ने बताया है कि मैं ये बात मानता हूं कि काला जादू और हुआ मैं की धुन और किस स्टेशन बहुत समान है। ज्यादातर सिंगर अपने पुराने गानों की धुन को रिसाइकल करते हैं और नए गाने लिखते हैं और मुझे लगता है कि उन्हें अपनी रचना का नमूना लेने की स्वतंत्रता है। वहीं रणबीर कपूर और रश्मिका मंदाना के इस रोमांटिक गाने हुआ मैं को राघव चैतन्य और प्रीतम ने गाया है। नंबर सेवन, आमिर खान की अपकमिंग फिल्म सितारे जमीन पर से जुड़ा बड़ा अपडेट आया है। ये स्पेनिश फिल्म चैंपियन की हिंदी रीमेक है। कहा जा रहा है कि सितारे जमीन पर में आमिर खान के ऑपोजिट बॉलीवुड एक्ट्रेस जेनेलिया डिसूजा नजर आएंगी। यूं तो आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। बता दें कि सितारे जमीन पर के जरिए आमिर खान तकरीबन 2 साल बाद बड़े पर्दे पर एक्टिंग करते हुए नजर आएंगे। दरअसल साल 2022 में आई उनकी लाल सिंह चड्ढा बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी। नंबर एट, सुष्मिता सेन के लीड वाली डिज्नी प्लस हॉटस्टार की सुपरहिट वेब सीरीज आर्या अपने तीसरे सीजन के साथ दर्शकों के बीच रिलीज होने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब फैंस की बेसब्री बढ़ाते हुए सीरीज का जबरदस्त धमाकेदार ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। सुष्मिता सेन एक बार फिर ट्रेलर में अपने अंदाज से दर्शकों को हैरान करती नजर आ रही हैं। लगभग 2 मिनट के इस ट्रेलर में सुष्मिता ने एक बार फिर अपनी अदाकारी के दम पर खुद को साबित कर दिखाया है। उन्होंने बता दिया है कि एक्शन में वो किसी से भी कम नहीं है। नंबर नाइन, बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की अपकमिंग मूवी टाइगर 3 को लेकर इन दिनों फैंस का क्रेज 7वें आसमान पर है। ये मूवी दिवाली के मौके पर सिनेमाघरों में तहलका मचाने वाली है। इस बीच सलमान खान ने नया पोस्टर शेयर कर तहलका मचा दिया है। सामने आए नए पोस्टर में बॉलीवुड के सुल्तान काफी ज्यादा स्टाइलिश और डैशिंग नजर आ रहे हैं। साथ ही उनका वायलेंट वाला लुक भी देखने को मिल रहा है। टाइगर 3 स्टार सलमान खान एक्शन मोड में अपने हाथों में लोहे की चैन थामे दिखाई दे रहे हैं, जिस पर फैंस ने जमकर कमेंट किए हैं। इसी के साथ सलमान ने बता दिया है कि 16 अक्टूबर को ट्रेलर दोपहर 12 बजे रिलीज होगा। नंबर 10,
बॉलीवुड के सीरियल किसरर सलमान खान और कटरीना कैफ स्टारर एक्शन स्पाई फिल्म टाइगर 3 के विलन इमरान हाशमी ने अपने फैंस को बेचैन कर दिया है। इमरान ने अपने फैंस के लिए आज यानी कि 13 अक्टूबर को एक पोस्ट शेयर किया, जिसके बाद से उनके फैंस के बीच खलबली मच गई है। इमरान ने अपने पोस्ट के साथ ऐसा कैप्शन लिखा है जिसे पढ़ने के बाद कोई भी परेशान होने लगेगा। गौरतलब है कि टाइगर 3 से अभी तक सलमान खान और कटरीना कैफ का ही फर्स्ट लुक आया है, लेकिन कहना गलत नहीं होगा कि इमरान हाशमी शायद फिल्म से अपना फर्स्ट लुक शेयर कर रहे हैं। नंबर 11। गदर 2 रिलीज के बाद सनी देओल की किस्मत ने जबरदस्त पलटी मारी है। उनकी फिल्म न सिर्फ ब्लॉकबस्टर हुई बल्कि नए ऑफर्स का ढेर भी लग चुका है। बॉर्डर 2 लाहौर 1947 के बाद अब एक और बड़ी मूवी सनी देओल को ऑफर किए जाने की खबर आ रही है। ये फिल्म पुष्पा के मेकर्स बना रहे हैं। फिल्म से जुड़े करीबी सोर्स का कहना है कि प्रोड्यूसर्स ये समझ चुके हैं कि सनी देओल बॉक्स ऑफिस पर जनता को खींच सकते हैं, इसलिए हर कोई मौके को कैच करना चाहता है। मूवी के हीरो सनी देओल होंगे ये तो तय हो चुका है। डायरेक्टर के लिए कबीर खान के नाम पर सोच विचार चल रहा है। नंबर 12। टाइगर 3 के साथ मार्वल की फिल्म द मार्वल्स रिलीज हो रही है। दोनों के बीच भयंकर टक्कर होने वाली है, मगर लगता है कि टाइगर 3 के चक्कर में द मार्वल्स को आईमैक्स स्क्रीन्स नहीं मिलने वाली है। खबरों के मुताबिक द मार्वल्स को गिनी चुनी आईमैक्स स्क्रीन्स पर ही रिलीज किया जाएगा, क्योंकि ज्यादातर आईमैक्स स्क्रीन्स पर टाइगर 3 लगेगी। एक्चुअल स्थिति क्या होगी ये तो अगले 1.5 से 2 हफ्तों में साफ हो जाएगी। इसके पीछे की वजह यशराज फिल्म्स के डिस्ट्रीब्यूशन विंग की तेज तरारी और सलमान खान के सुपरस्टारडम को माना जा रहा है। जहां तक बात रही टाइगर 3 की, तो मेकर्स ने अब तक फिल्म के रिलीज डेट का अनाउंस नहीं किया है। नंबर 13। अक्षय कुमार की फिल्म मिशन रानीगंज का हाल फिलहाल बॉक्स ऑफिस पर बहुत बुरा हाल नजर आ रहा है। इस बीच अक्षय कुमार की फिल्म का 7वें दिन का कलेक्शन भी सामने आ गया है और ये भी कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है। मिशन रानीगंज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो ये 7 दिनों में सिर्फ 18.25 करोड़ का ही हुआ है। सिग्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने 7वें दिन करीब 1.30 करोड़ का कलेक्शन किया है। फिल्म ने पहले दिन 2.8 करोड़, दूसरे दिन 4.8 करोड़, तीसरे दिन 5 करोड़, चौथे दिन 1.5 करोड़, पांचवें दिन 1.5 करोड़ और छठे दिन 1.35 करोड़ का बिजनेस किया था। नंबर 14। रणबीर कपूर की एनिमल के ट्रेलर पर अपडेट आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एनिमल के निर्माता 1 दिसंबर को फिल्म रिलीज से कुछ दिन पहले ट्रेलर लॉन्च करने की प्लानिंग बना रहे हैं। हालांकि ट्रेलर लॉन्च से पहले फिल्म का एक और गाना रिलीज किया जाएगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। एनिमल के ट्रेलर के बारे में न्यूज 18 की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि एनिमल के ट्रेलर को अनविल फिल्म के बड़े पर्दे पर आने से लगभग 1 हफ्ते पहले यानी कि 23 नवंबर को किया जा सकता है। ट्रेलर जोरदार और एक्शन से भरपूर होने वाला है, जो डेफिनेटली फैंस को हैरान कर देने वाला है। नंबर 15। टाइगर श्रॉफ की अपकमिंग फिल्म गणपत का नया गाना हम आए हैं सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रहा है। टाइगर श्रॉफ और कृति सेनन के इस दमदार गाने पर काफी सारी रील्स भी बन चुकी हैं। दोनों स्टार्स अपने फैंस के रील्स को सोशल मीडिया पर शेयर भी करते रहते हैं। वहीं आज टाइगर श्रॉफ ने अपने फिल्म के गाने पर एक नया वीडियो शेयर किया है, जिस पर फैंस से बहुत अच्छे रिएक्शंस मिल रहे हैं। वीडियो में टाइगर श्रॉफ कैजुअल ड्रेस में कार के साथ स्केटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। वो गाने का हुक स्टेप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी देर के बाद वो अपनी कार से अलग होकर सड़क पर स्केटिंग करने लगते हैं। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।